जी बापना की और इनके सभी साथियों की, निखिल जी बापना, मेहुल जी बापना, नीलेश जी सेठ, अश्विन जी मेहता, इतने हैं ना आप लोग, चार पांच लोग मिलके सर इन्होंने 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ा है, हजार लोग आसपास आए होंगे सुबह से लेके अभी तक। खेल और लोगों का जुड़ाव, भीनमाल वासियों का अपने ये, पहले तो आपका बहुत वेलकम सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। कैसे देखते हैं इनके प्रयास को सर? बहुत ही सुंदर प्रयास है ये, भागीरथी प्रयास कह सकते हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवा जहाँ जुड़ता है ना वहाँ बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, तो युवा को कनेक्ट करने का ये बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। नरेंद्र जी साहब आपके आने के बाद से ना मुझे शैलेश रोड़ा साहब की वो लाइन याद आ रही है, सौ चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप आए हैं तो इस रात की औकात बनेगी। तो बहुत बहुत आभार सर, अब आप आ चुके हैं, अगर हम यहीं पे क्लोज कर दें टूर्नामेंट ना तो भी हमारा टूर्नामेंट सुपर डुपर हिट हो गया। तो नरेंद्र जी भंडारी साहब बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अनुमोदना, आपके स्टेटस में देखते रहता हूँ, कभी आप यहाँ, कभी राजस्थान में, कभी कहीं और। भी यहाँ पे नहीं थे पर यहाँ पे आए, आज ही आए ये स्पेशली यहाँ के लिए आए, यहाँ पे अभी आउट ऑफ स्टेशन थे बट स्पेशली अपने इवेंट के लिए आए। या मंगल जी प्रभात लोढ़ा साहब के दिल के बेहद करीब, और हर आप सोशल वर्क में भी नरेंद्र जी भंडारी साहब को देखेंगे, हमारे भीनमाल का जैन समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ के 36 कौम के लिए भी आप नरेंद्र जी भंडारी साहब को हमेशा देखेंगे दोस्तों, जितने लोग घरों पे टीवी पे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं देश विदेश में। नरेंद्र जी भंडारी साहब आलोक की तरफ से और पूरे हम सब कमेटी मेंबर्स की तरफ से आपके एक बार फिर से बहुत वेलकम, बहुत स्वागत है आने के लिए, प्लीज आइए बैठिए। कम कैसे होता है इससे? सपोर्टर्स आप देखें वो करिया ब्रदर्स के, ये लॉयल सपोर्टर्स लेडी लव यू टीम के साथ है। सो जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। आप लोग किस टीम को सपोर्ट है? वो कर लीजिए लीजिए, मेहता रॉयल्स के सपोर्टर्स कहाँ हो आप लोग? मेहता रॉयल्स, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर टू सपोर्ट मेहता रॉयल्स? इनका दिल बड़ा है, जब इन्होंने इधर उधर देखा मेहता रॉयल्स के ज्यादा लोग नहीं दिख रहे तो कहे हाँ सर हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रू भीनमाल वासी, जीते कोई हारे कोई जीते का पूरा भीनमाल इन दी एंड, है ना। सो डिनर विनर खाया आप लोग ने? डन, फूड डन, बाकी अभी सर आप जीत के बाद बाजू में ताज है सर, सबको वहीं पे 5-स्टार ट्रीटमेंट दे दो। ऑल द बेस्ट कोकरिया ब्रदर्स सपोर्टर्स, अब जितने लोग ग्राउंड में हैं अपार्ट फ्रॉम टू टीम्स दे आर प्लेइंग, सब लोग प्लीज ग्राउंड को क्लियर करेंगे। अंपायर्स आइए, अंपायर्स अंपायर्स अंपायर्स, उड़ जाओ सर, उड़ जाओ अंपायर्स लोग, उड़ जाओ, आओ सर, बेटा तुम बाहर जाओ, बच्चा बच्चा बच्चा, One!
मनोज भाई जे बॉय इधर है। संतोष भाई कहाँ गए? हाँ संतोष भाई, मनोज भाई को मैं देखता हूँ तो एक फाइव स्टार का वो ऐड आता था ना, दो भाई थे ना, सुरेश भाई और रमेश, यहाँ पे मनोज भाई और संतोष भाई है ना। मनोज भाई थोड़ा आगे आएंगे, डर क्यों ना इतना, मैं कौन सा खतरनाक दिख रहा हूँ इतना। सर अब ये दोनों टीमों में एक तरफ ओखड़िया ब्रदर्स है जो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, मेहता रॉयल्स फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे, तो कौन सी टीम आपको ज्यादा बेटर लग रही है, फील्डिंग वाली या बैटिंग वाली? मेहता रॉयल्स। ये लीजिए, मैं ढूंढ रहा था मेहता रॉयल्स कोई सपोर्टर तो मिले, क्योंकि ये सारा जो है ये यहाँ पे सब ओखड़िया के ही सपोर्टर्स नजर आए। दोनों हमारी है, जो जीतेगा बिनमाल जीतेगा। दोनों टीमें हमारी है, जो जीतेगा बिनमाल जीतेगा। अभी कुछ टाइम पे जिस तरीके से टीमें करेंगी, वो अच्छा करेंगी खराब करेंगी, इनके चेहरे से पता चलेगा कौन सी टीम को सपोर्ट है। अरे मनीष को दिया ना, मनीष किधर है? हां मनीष भाई के आगे उसमें गया। बोला बोला मनीष भाई बॉल, ओ मनीष भाई बॉल का बॉक्स कर रहा है, आप उधर ही चले जा रहे हैं। मनीष आज में दीदी तीन बोलो मनीष, थोड़ा सा महिपाल भाई जल्दी करेंगे ना। महिपाल भाई तीन बॉल का बॉक्स इधर रखा था, तीन बॉल था यार, तो ननवा से तो आज में दीदी थी बहू टाइम है। एक बार थैंक्स करते सभी स्पॉन्सर्स के, वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर टाइटल पार्टनर आर एन के फिनिशर्स एलटीज, रौनक जी दोषी, ऋषभ जी मेहता, कौशिक जी जैन। रौनक भाई है या गए? रौनक जी दोषी है, यस रौनक भाई इज देयर आर टाइटल पार्टनर। गाड़ी में देख गाड़ी में ठीक है, 11 बॉक्स पूरा निकाले। चेक करो मेहता रॉयल्स मेरे साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, दी बेस्ट थिंग फॉर मेहता रॉयल्स, महिपाल भाई आपकी टीम के लिए जो मुझे लगता है जो साइकोलॉजिकली थोड़ा हेल्प करेगा आप लोग को इस टफ पे खेलने के लिए, सेमीज आप लोगों ने इसी टफ पे जीता है, दो लीग मैच और एक सेमीज, ज्यादा स्पेशल है लास्ट मैच जो सेमीज आप लोगों ने यहाँ पे जीता, तो वो थोड़ा सा फील गुड फैक्टर के साथ आप लोग उतरोगे यहाँ पे। रौनक भाई कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मेहता या फिर दूसरी? दोनों को। रौनक भाई कह रहे हैं जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे वो तो गई बाहर। रौनक जी, कौशिक जी जैन, So let's have a few words with the supporter of team Bokaria Brothers, right? Bokaria Brothers, right? First of all, very warm welcome. Thank you so much for supporting Binmal Box Cricket League. Thank you so much for coming. हाँ, ये नेट फाड़ के भी आ सकते थे। तो अच्छा हुआ कि जगह मिल गई। मैम नाम बताएं पहले आपका। श्वेता जी, कौन सी टीम आपको ये बैटिंग वाली या फिर फील्डिंग वाली? बैटिंग वाली। क्यों? ओनर को मैं ओन करती हूँ। ओनर साहब कहाँ गए टीम के, जो बहुत चौड़े होके बोले थे आलोक सर देखो सर, मैंने मैम से पूछा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बोलते क्योंकि ओनर को मैं ओन करती हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब यही है मतलब बुकरिया का। सर चलते हैं फिनाले की तरफ। थैंक यू सो मच।
राहुल बोहरा। Back to back sixes from Rahul Bohra. Sixes and then white, so two sixes by Arjun Jidoshi, Travel House. Tisra six over ka. Wow. So far, one more great hit. So, supporters को cheer करने के लिए उनकी टीम बहुत कुछ दे रही है ना? पहले ओवर में ही ज्यादा नहीं, सिर्फ पांच सिक्सर्स, पांच या चार आए, कितने हैं? चार है, पांच है। अब मुझे स्कोरर्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बोकरिया के सारे जो सपोर्टर्स हैं वो सब रन सिक्सर्स बाउंड्रीज। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड एंड द रन आर 35। राहुल बोहरा गेंद, ये अच्छी बॉल, इनको संभल के खेलें, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बॉलर बहुत अच्छे हैं। चिराग कोठारी विकेट विकेट विकेट, इस बॉल के पहले मैंने बोला इनको संभल के खेले। चिराग कोठारी आए और अपनी टीम के लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा विकेट राहुल बोहरा का। सर पहले ओवर में 35 था, पहले ओवर में 35, अभी इस ओवर में कितना है आप लोग गिन ले। गुड बॉल, अश्विन मेहता की कहानी वही जारी है, मैचेस नए, गेंदबाज नए, लेकिन कहानी वही पुरानी। अश्विन के लिए टूर्नामेंट थोड़ा सा खट्टा ज्यादा रहा, मीठा कम रहा। अच्छी गेंद, मुझे पता नहीं बट इस ओवर के पहले ऐसा लग रहा था कि ओवर बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। भावेश कावड़ी, अच्छी गेंद। एक जो बहुत अच्छी बात, अगर आप मेहता रॉयल्स के नजरिए से देखें तो उन्होंने इसी ग्राउंड में टफ वन में दो लीग के मैचेस जीते हैं और फिर जो सेमी जीता यहीं पे जीता। अच्छा शॉट,
बहुत अच्छा। वाह, ये एक और बड़ा नुकसान। अविनाश भी चलते बने। नो सर, हमारे हमारे जर्सी के पार्टनर कुछ कहना चाह रहे हैं। कौन मतलब हमारे कंधे बंद होकर चलाओगे सर? हमारी जिंदगी जिंदगी गुजर गई सर इसमें। मासी मासी जी बोल रही है। 46. मासी को बड़ा दुख हुआ, अविनाश बाहर गए। भावेश कावेड़ी इस ओवर में बहुत अच्छा काम करते हुए, अभी तक जो पूरा दिन है आज थोड़ा सा विकेटलेस जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे विकेट भी रन भी कम दिए। जबरदस्त बॉलिंग, वेल डन। पहले ओवर में 35 रन, लेकिन उसके बाद दिस इज कॉल्ड ग्रेट बाउंस बैक। थ्री ओवर्स हैव बीन बोल्ड एंड द रन्स आर 47. थ्री ओवर्स 47. थ्री ओवर 47. 10 बज गए, आवाज थोड़ी कम रहेगी, सो आप सब खुद भी गिनते रहो। दीक्षित आए हैं बोलर नीलेश भाई, हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर। डायरेक्ट हिट अगर होता तो मौका था। 48 रन। भावेश कावेड़ी बहुत अच्छे विकेट कीपर है, अच्छे बॉलर, अच्छे फील्डर और बहुत अच्छे बैट्समैन भी। कंप्लीट प्लेयर जो आप चाहते हैं अपनी टीम में। एक ही जो प्रॉब्लम है इनके साथ, इनका इंजन हमेशा आपको थोड़ा गर्म नजर आता है, तो जो पेशेंस है वो थोड़ा सा कम। अब भाई अब मैच के बाद ही टू टू गो दीक्षित, टू टू गो। तीन तीन स्कोरर्स हैं, बाकी हम भी गिन रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक था, अच्छा स्ट्रोक था। सो अब ये चौथे ओवर की लास्ट बॉल आनी बाकी है। सर 50 हो गए क्या? 49. और चार ओवर समाप्त होगा, 50 रन पूरे होंगे। 4 ओवर्स 50. पहले ओवर में बोकड़िया ब्रदर्स का जो डगआउट था, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो कहीं ज्यादा झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। अभी भी 4 ओवर्स। वेल डन, वेल डन। आफ्टर अ लॉन्ग, ऐसा लगा रेगिस्तान में बारिश हुई। ट्रेवल हाउस सिक्सर सीधे आए हैं सिद्धार्थ सालेचा। हाँ सिद्धार्थ सालेचा, संजय जी सालेचा के। वाह वाह, वेल डन सोहम। ये तो ऐसे ही हो ना कि आप एग्जाम में आप प्रिपरेशन करें किसी और के लिए और आउट ऑफ सिलेबस कोई और आ जाए। वेल डन सोहम, सुपर। सो ग्रेट हिटिंग बाय बोकड़िया ब्रदर्स एंड स्कोर मूव्स टू 64.
अच्छा बॉल, अच्छा बॉल, 64। वाह वाह, बॉल बॉल खराब नहीं थी, बॉल खराब नहीं थी, लेकिन इसको आप कह सकते हाई स्टैंडर्ड शॉट। सोहम अपनी टीम के लिए टॉप ऑर्डर्स के जल्दी होने के बाद, आउट होने के बाद ही कमाल की नहीं खेलते हुए। बुकड़िया ब्रदर्स के ओनर साहब ना सेमी में बैठे थे ना फिनाले में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जब टीम जीतेगी तब ले जाएगी, इसके बाद ही आजाद को बैठेंगे, सीधा सोएंगे। और बुकड़िया ब्रदर्स जीतने के बाद सीधा फाइव स्टार होटल ताज में लेके जाना सर को। शायद ये विकेट है या नहीं, एंड आउट का इशारा। वेल डन भावेश कावेड़ी, अच्छा थ्रो भी था, थ्रो भी अच्छा था, कलेक्शन उससे अच्छा। देखिए फुल टॉस जो गेंदे हैं ना वो ब्लैंक मेरे चेक की तरह है। आप अगर फुल टॉस बॉल करेंगे नए बैटर को तो उनको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे और ये बहुत आसान बॉल है। ट्रेवल हाउस अर्जुन जी दोषी के सिक्सर्स, रन अच्छे खासे हो गए हैं मुकड़िया ब्रदर्स के पास। बॉल बॉल बाकी है 3। वन मोर सिक्सर, ट्रेवल हाउस अर्जुन जी दोषी साहब का नाम, दैट मीन्स जब जब आप ये नाम सुनते हैं बैटिंग साइड अच्छा कर रही होती है। कैच ड्रॉप हुआ, दो दो फील्डर खड़े हैं एकदम आस पास में चिपक के, दोनों ने लखनवी अंदाज दिखाया, पहले आप। लास्ट बॉल थी, दो के लिए जा रहे हैं फंबल, ग्रैंड फिनाले का प्रेशर। चार तो नहीं होगा लेकिन तीन रन दौड़ के, ये देखिए ग्रैंड फिनाले का थोड़ा दबाव भी है, प्रेशर भी है। टोटल रन जो बने हैं वो बने हैं 93 बने हैं। ओनर साहब कहाँ गए, सर आइए। 93 रन, ठीक ठाक सर, अच्छे हैं, आपको क्या लग रहे हैं? सुजू 93 रन, 93
देखिए ग्रैंड फिनाले में ना ये रन तो अच्छे बन गए नो डाउट, बट व्हाट डू थिंक प्रेडिक्शन, जस्ट योर प्रेडिक्शन। दोनों में मेरे दोस्त हैं तो कोई भी जीते चलेगा, दोनों में इनके दोस्त हैं। और खुश क्या लग रहा है? कोई भी जीते हैं, दोनों में अपने ही लोग हैं। आई थिंक द मैच शुड बी गुड, इट शुड बी कॉम्पिटिटिव, द मैच शुड बी गुड एंड इट शुड बी कॉम्पिटिटिव मैच, शुड गो टिल लास्ट ओवर। Wow! Well done, Kush. What a hit! What a hit! 6 to start the second inning. देखिए दो बातें यहाँ पे, ये स्टार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, आप किस तरीके से शुरुआत दिलाते हैं। अगर बड़े चेज में आपका स्टार्ट अच्छा मिलता है तो काम थोड़ा आने वाली जो आगे की राह है आसान हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मैच में इन दोनों ही बैटर से, और ख़ास करके ये मैं बोकरिया ब्रदर्स को भी कहूँगा, अगर आपको इस मैच को जीतना है तो इनके फेलियर के लिए तड़पिए, नहीं तो ये आपको तड़पाएंगे। पुअर क्रिकेट, खराब क्रिकेट, बहुत खराब क्रिकेट। एकदम भी ये बात समझ के परे है कि क्या कर रहे थे। और देखिए अगर जो लोग दीक्षित को गलत ठहरा रहे हैं, मेरा सवाल ये भी है कि क्या खुश देख रहे थे उनकी तरफ, क्या खुश उनकी तरफ देख रहे थे? वो तो कॉल आपका भी था कि आपको भागना था नहीं भागना था, क्या उन्होंने यस बोला या आप अकेले भागते चले गए? गलती दोनों की है, क्योंकि हमारी जो सिंपथी है ना, हम इंडियंस या हम एज ए ह्यूमन, हम थोड़ा जिनके साथ दुख होता है उनके तरफ हम थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। वो आउट हुए इसके लोगों लगता है, जो खड़े उनकी गलती है। ये बड़ा मौका है, भावेश कावेरी का बड़ा नाम, बड़ा मैच है और इस बड़े नाम को साबित करने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था ना, सज्जो द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस द टाइम। बड़ा मैच है, जितना हार्डर ये चैलेंज उतना बड़ा है ना। सिंगल, बल्लेबाजी तो अभी भी है इनके पास, ये हम सबको पता है कि मेहता रॉयल्स के जो बैटिंग में डेप्थ है वो अच्छी है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप सब जितने लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, कि शायद अब ये आखिरी पेयर है। सो सिर्फ 9 रन्स, और वो भी आप सोचे मैं सिर्फ 9 इसलिए मैंने बोला क्योंकि पहली बॉल पे 6 आ गए थे। तो इंग्लिश में वो सेइंग है ना कि सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। पहले पे आपने 6 लगाया, उसके बाद की 5 बॉल में आपने क्या किया? सिर्फ 3 रन्स, और आपके दो बड़े बैटर्स को आपने गंवा दिया। और सबसे बड़ा चिराग कोठारी के खाते में रन्स बहुत कम, निराशा बहुत ज्यादा। अगेंस्ट द स्पिन, अब दो बातें हैं, देखिए हवा में नहीं खेलना, और अगर खेलना है तो पूरे मन से खेलना। विकेट दीक्षित, और ये शायद दीक्षित आउट होके जा रहे हैं, स्टील की उम्मीद बाहर जा रही है। अभी दूसरा ओवर ही चालू है और टॉप ऑर्डर्स के 3 बैटर्स जो है वो डगआउट में है, और ये सिक्सर आता हुआ चेतन के बैट से।
एक नया स्टार, कुछ नए चेहरे बेहतर रॉयल्स के लिए जरूरी। दूसरी बार ही आप नाम सुनेंगे अर्जुन जी दोषी साहब का ट्रेवल हाउस, क्योंकि दो ही बार गेट बाउंड्री लाइन के लिए ट्रेवल की है, पहले ओवर की पहली बॉल पे और इस ओवर की इस चौथी बॉल पे आपने देखा। वाइड है ये, पता है अविनाश को कि थोड़ा सा आगे आकर खेलना पसंद करते हैं, इसके लिए बाहर गेट सिंगल के लिए भाग जाएंगे। दो ओवर कंप्लीट हुए एंड दो ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं। मेहता रॉयल्स के बाद भी काफ़ी बैट्समैन है अभी तक, और ये भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं है, क्योंकि अगर फाइनल तक कोई टीम पहुंचती है तो अच्छे प्लेयर्स को लेकर ही पहुंची होगी। एक और विकेट और चेतन भी आउट। What a shot, pure class. देखिए क्लैप करें आप भले से किसी भी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल डन भावेश। बहुत ही गुड लुकिंग था वो छे। ट्रेवल हाउस अर्जुन जी दोषी। वी आर इनटू थर्ड ओवर। अभी तक दो ओवर्स में 19 बने थे। जो आस्किंग रन रेट है वो भी लगातार टेस्ट करता हुआ इनके पेशेंस को। दिखते हैं आगे कुआं पीछे खाई, तुम्हें बताओ आप किधर जाए भाई। विकेट भी गंवा चुके हैं, आस्किंग रन रेट भी बढ़ता हुआ। तो देखिए अगर बड़ी चीजें आसानी से मिले ना तो फिर उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। नो बॉल है, कैच ड्रॉप हुआ था और अब भाग गए सिंगल। वाह, दो रन भाग गए और एक नो भी, टोटल 3 रन ऐड हो गए। ऋषभ नाखुश है, अंपायर्स ने अभी भी अपना डिसीजन स्टिक रखा है, नो ही है। सो 3 रन काउंट होंगे तीसरी बॉल पे, इसके पहले की बॉल पे। भावेश खवेड़ी, बहुत बहुत दमदार था श्लोक, लेकिन फील्डर के पास। व्हाट अ शॉट भावेश कावेरी अकेले अपनी टीम के लिए मैन ऑफ क्राइसिस का रोल करते हुए। 3 ओवर्स गॉन, 34 रन्स, एंड इन 34 में से मुझे लग रहा है 20 प्लस तो इनके ही है। भावेश भाई एक बात याद रखो कि आदमी सिंहासन पे हो या फिर शिखर पे हो, दोनों जगह पे आदमी अकेला ही होता है। जब कोई ना दे साथ तो एकला चलो रे। आज अगर भावेश कावेड़ी इस मैच को जिताते हैं तो 5-स्टार ताज में इनको पार्टी है, इनकी टीम के ओनर की तरफ से और इनके दोस्त सुजान संघवी की तरफ से। सिंगल वाइड है। क्रिकेट में अनलेस और अंटिल गेम गेट्स ओवर वी कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। ये दिक्कत है सर, या तो स्ट्राइक रोटेट करें या तो फिर रन आने दें, जिससे एंड से भी
भावेश भाग गया, उनको पता था कि रन जो है आए नहीं है इस ओवर में, पांच गेंद हो चुकी है। अब प्रॉब्लम ये, अब लास्ट बॉल, अभी अश्विन को भी पता, उनकी टीम को भी, किस पे जाएंगे बड़े हिट के लिए। नॉट आउट, नॉट आउट का इशारा, सॉफ्ट जो सिग्नल आया, और पता था ये इनकी टीम को भी। सो ओवर कंप्लीट हो गया, चार ओवर्स के बाद रन 39 फोर गॉन। नाउ अब दो ही ओवर बाकी हैं और दो ओवर्स में 55 या 56 कितने बना, 55। देखिए भावेश कावड़ी अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब दूसरे एंड से भी सपोर्ट। और अजिया, गेम इज ऑन, चेज इज ऑन। अगर आप लोग को लग रहा है कि खेल खत्म हुआ है तो आपकी गलती है, अभी रुकिए थोड़ा, ठहरिए। दूसरे एंड से भी पार्टी ज्वाइन करते हुए प्लेयर ऋषभ, भागना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप यहां से आप एक दो डॉट बॉल और खेल गए तो फिर सक्सेस इज लाइक अ साइंस, इफ यू हैव कंडीशंस यू कैन गेट द रिजल्ट्स, कंडीशंस आर स्टिल देयर, बट उसके लिए वो मैथमेटिक्स कहती है कि ऑलमोस्ट हर दूसरी बॉल पे सिक्सर, हर नहीं, ऑलमोस्ट हर बॉल पे चाहिए। भावेश कावड़ी जी को सपोर्ट करने के लिए उनका पूरा परिवार यहां पे है, जिनल भी नजर आती हुई अपने हबी को, भावेश को, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ग्रेट हिट, ये जिनल का नाम सुनते ही भावेश का रंग देखे आप, ग्रेट हिट। ट्रेवल हाउस अर्जुन जी दोषी के छे, और यहां पे क्या नो बॉल है या नहीं, भावेश आउट हुए, लेकिन जब तक वो थे तब तक अपनी टीम के लिए जितना लड़ सकते थे उतना लड़े। भावेश के लिए थोड़ा क्लैप कर सकते हैं हम, भावेश के लिए, एवरीवन फॉर भावेश कावड़ी, वेल प्लेड भावेश, रियली वेल प्लेड। वेल प्लेड भावेश कावड़ी, निराशा की चादर में कुछ उम्मीदों के पाबंद भी होते हैं भावेश जैसे प्लेयर। सेवन बॉल्स 41 नीडेड। और क्या, ये भी सिर्फ सिंगल है। सो लास्ट सिक्स बॉल्स टू गो एंड 40 रन रिक्वायर्ड। अब मैच में वही बचा है जिसको हम हिंदी में औपचारिकता कहते हैं, 6 पे 40। देखिए सर, एक सिंपल सी बात मुझे पता है कि सक्सेस जो है ना साइंस की तरह है, अगर कंडीशंस हैं तो रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कंडीशंस नहीं है तो फिर मैं मानता हूँ, मेरा कोर बिलीफ 100% कि नहीं मिलते हैं। 6 बॉल पे 40 कैसे बनेंगे, वो कोई करिश्मा हो तो ही। मनीष भाई, क्रिकेट में देखिए कुछ भी होता है, बट आप ऐसी बात कर रहे हो ना कि अगर मेरी चाची की पूछे हो तो मैं उनको चाचा बोलूं। नेता रॉयल्स, आप इस पूरे बिनमाल बॉक्स क्रिकेट लीग के, देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता आप लोग का डिफरेंट सोचना होगा, मुझे ऐसा लगा कि आज के दिन जिस टीम की बैटिंग लाइनअप सबसे स्ट्रांग थी उनमें से एक है ये मेहता रॉयल्स, लेकिन जो टॉप ऑर्डर्स था, जिस तरीके से जो कैजुअल अप्रोच इन्होंने दिखाया, वो एकदम भी ऐसा लगा नहीं कि वो चैंपियन टीम है। चिराग कोठारी का वो अगेंस्ट द स्पिन क्रॉस द लाइन खेलना पहली बॉल पे ही, फिर खुश का वो रन आउट 95-96, जब आप फाइनल में चेस कर रहे होते हैं तो फिर ड्रॉप ऑर्डर्स का फंक्शन ना करना। एवरीवन, द चैंपियन नाउ वी हैव गॉट
Binmal Box Cricket League presented by R&K Fin Wizards LLP Season 3 के champions Bokhariya Brothers. एंड तुरंत हम प्रेजेंटेशन के लिए तुरंत जा रहे हैं. सो दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग सभी लोग यहाँ पे रहेंगे. जो ऑडियंस है अगर आप लोग भी रुके 5-10 मिनट तो और मजा आएगा. कैमरे के आगे से दोस्तों हम थैंक्स करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स के. R&K Fin Wizards LLP प्रेजेंट से बिनमाल बॉक्स क्रिकेट सीजन 3 था.